तिरुवनंतपुरम के निदेशक और वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है। कर्मचारियों ने एनपीएस अधिसूचना की होली जलाकर व्यक्त किया आक्रोश। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के आह्वान पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा हल्ला बोल के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 14 जनवरी 2004 को जारी करते हुए राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 को 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों पर अप्रभावी कर दी गई थी। जबरन थोपी गई इस एनपीएस अधिसूचना की बरसी पर सूरतगढ़ के नेताजी सुभाष चौक पर प्रतिलिपि की होली जलाकर आक्रोश व्यक्त किया गया। एपेक्स क्लब सूरतगढ़ द्वारा पिछले कई वर्षों से प्रत्येक सर्दियों में कंबल वितरण किया जाता रहा है, उसी क्रम में इस वर्ष भी पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन जरूरतमंद को आवश्यकतानुसार कंबल वितरण विभिन्न स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि जगहों पर किया जा रहा है, जो कि अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। संस्था सचिव एपे मनीष कवात्रा के अनुसार वितरण में संस्था सदस्यों एपे मनोहर शर्मा, एपे राजाराम बिनावरा, एपे डॉक्टर के एल बंसल, एपे डॉक्टर राहुल छाबड़ा, एपे डॉक्टर विशाल अग्रवाल, एपे गिरधारी शर्मा का सहयोग रहा। समाज सेवी योगेश स्वामी, किशनलाल स्वामी व दिनेश खंडेलवाल के नेतृत्व में तहसील चौराहे के समीप निराश्रित गोवंश के लिए गुड़ बाजरी व सरसों तेल मिश्रित गरम दलिया गुलगुलों व गुड़ का वितरण छोटे कमजोर अपाहिज गोवंश को किया गया। आज के अभियान का शुभारंभ जेल उप कारागृह नवनीत सिंह घोटिया ने किया। यह अभियान पिछले एक महीने से नियमित रूप से जन सहयोग से चल रहा है। जेलर साहब ने कहा कि गौ सेवा करना सबसे पुनीत का कार्य है और युवाओं द्वारा की गई सेवाओं की सराहना की। इस अवसर पर राधेश्याम गोयल, जितेंद्र राठौड़, जयप्रकाश सरावगी, विनोद सारस्वत आदि सेवादार ने सेवाएं दी। आज सूरतगढ़ राजकीय महाविद्यालय में एसएफआई ने एमए की सीट बढ़ाने के लिए राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य का घेराव किया। एसएफआई ने कमल शर्मा के नेतृत्व में प्राचार्य का घेराव किया तथा एसएफआई के छात्र नेता संदीप सैंडी ने और संजय सिहाग ने बताया कि अगर सीटें नहीं बढ़ाई जाती है तो एसएफआई अनशन करेगी। इस अवसर पर एसएफआई के छात्र नेता अभिमन्यु पारीक, सोनू और मोहित, एसएफआई सुरेश तवनिया, यश रैगर, राजेंद्र सुथार आदि मौजूद रहे। विराट कोहली ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले T20 टीम की कप्तानी छोड़ी थी, जबकि वनडे टीम की कप्तानी से उन्हें हटा दिया गया था। उन्होंने फैसला साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार के अगले दिन ट्विटर पर इस बात की घोषणा की है।